भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे लिपिक पर लटकी कार्यवाही की तलवार। नगर पालिका में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे लिपिक पर कार्यवाही की तलवार लटक गई है। डीएम ने सभासद की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, संभल नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड 10 की सभासद वसीम जहां ने संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह को शिकायती पत्र सौंप कर अकाउंट विभाग के लिपिक चंचल कुमार पर राज्य वित्त की करीब 2,54,00,000 रुपए की धनराशि 7 माह तक गायब रखने और अवस्थापना निधि का गलत प्रयोग करने का गंभीर आरोप लगाते हुए करोड़ों के गबन का आरोप लगाया है। वहीं सभासद ने डीएम से कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हुई तो पालिका में करीब करोड़ों रुपए से अधिक के घोटालों की कहानी खुल सकती है, जिसका कागजों में हेरफेर किया गया है। पूर्व में भी आरोपी बाबू के खिलाफ कार्यवाही की शिकायतें दर्ज कराने के बाद भी अभी तक कार्यवाही नहीं हो सकी है। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे बाबू को पद से हटाने और निष्पक्ष जांच कराने की डीएम से मांग करते हुए सभासद ने शिकायत दर्ज कराई है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बाबू के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन देते हुए जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जांच में मामला सही पाए जाने पर आरोपी बाबू के खिलाफ कार्यवाही निश्चित मानी जा रही है। सर, आज ये संभल नगर पालिका के सभासद ने एक शिकायत दर्ज की है संपूर्ण समाधान दिवस में कि एक नगर पालिका के कर्मचारी पर 2.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप है, उसमें क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? ये वार्ड नंबर 10 के वसीम जहां ये सभासद थी, ये आई थी और इन्होंने नगर पालिका परिषद संभल के शिकायत की थी, कुछ अनियमितता के संबंध में की थी और एक कर्मचारी के संबंध में शिकायत की थी। तो उसका हम लोगों ने संज्ञान लिया है, इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी, जिसमें 14वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की धनराशि से जो कार्य कराए गए हैं उसमें कुछ अनियमितताओं की उन्होंने शिकायतें की हैं। उनका कहना था कि पहले भी शिकायत की गई थी लेकिन नगर पालिका प्रशासन के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसको हम लोग जिले स्तर से कोई थर्ड पार्टी जाँच इसकी कराएंगे और जो तथ्य निकल के आएंगे उसके हिसाब से कोई कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें सर अवस्थापना विकास निधि के मामले में भी सर दूसरी मद में ट्रांसफर कर सर कार्य कराने का आरोप लगाया गया है सर? हाँ, उस सब की जांच कराई जाएगी, उसको हम लोग जो है नगर पालिका के इतर उसको जांच कराएंगे और उस जांच में जो भी सच्चाई निकल के आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की।